और हमारी माताएं बहनें भी हैं जो चैनल में वीडियो देखती हैं, तो उन माताओं और बहनों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर चैनल जैसे कि सब्सक्राइब करना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे हैं ऐसे जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है तो उनको नहीं मालूम होता है, पर वो वीडियो देखते हैं, मोबाइल है उनके पास, सब कुछ है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और निवेदन करता हूँ कि जो माताएं हैं बहनें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुँचता है और चैनल में अगर वीडियो देख रहे हैं, तो किसी से भी कह के चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, जोड़ें और अपने बेटे को आशीर्वाद दें। और बहनों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो वही ऐसा है, हमने बहुत सारी मुसीबतें झेली है और कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मैंने अपनी हर बात और हर चीज़ आपके सामने रख दी है। चैनल भी मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, तो आप मेरे चैनल में पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने डरते डरते और एकदम रोते रोते मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि उद्देश्य बहुत बड़ा है। आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग रहेगा, और आपका अगर प्यार आशीर्वाद मिला तो बहुत कुछ करने की दिल में तमन्ना है, जो ज़िंदगी है उसमें कुछ करके दिखाना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। और अगर आपका दिल साफ है, मन साफ है, तो आपको ईश्वर समान लोग, अच्छे दिल वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे ही मैं गुजरात में रहा तो बहुत सारे मुझे अच्छे लोग मिले, बड़े बड़े ऑफिसर मिले, IPS, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज ये बातें मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। और यहाँ जब गांव में आए चिल्ला क्षेत्र में, तो स्टार्टिंग में तो बहुत यहाँ पे परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, मन साफ था, अंदर हमारा ईमान साफ था, करते रहे। यहाँ भी दोस्त मिले तो उन दोस्तों की जगह है दिल में रखनी चाहिए, जाहिर कोई नहीं करता है, दिल में रखता है। ऐसे ही मैं आज एक अपने दोस्त का नाम आपके सामने लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जिनके लिए हमारे दिल में जगह है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भले उम्र में वो मुझसे छोटे हों, मैं बड़ा हूँ, यहाँ उम्र नहीं देखी जाती है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी आपसे ज्ञान में बढ़कर है, आगे है, तो वो भी आपका गुरु है। ये बात आप अपने दिल दिमाग में बिठा लें। आप कभी भी ऐसा ना समझें कि ये छोटा बच्चा है और मेरे सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि कोई अगर आपके सामने ज़्यादा बोलता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा भी है, अगर ज्ञान की बात कर रहा है तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं और मैं दिल से एक तरह से मेरे गुरु हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती है, अगर वो चीज़ किसी से सीखने को मिलती है तो उस चीज़ के वो गुरु तो हो ही जाते हैं। इसलिए मैं उनको दिल से गुरु मानता हूँ। अगर आप वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे ये, तो उनसे बस यही कामना करूँगा किसी तरह आप अपना प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, क्योंकि आप जैसे लोगों की ही मुझे बहुत ज़रूरत है, और वो कहीं दूर के नहीं हैं, यही हैं हमारे चिल्ला क्षेत्र में। और शिवराम सर नाम है, और उनके जो बड़े भैया हैं राम सुबल जी हैं, टीचर हैं, तो मुझे टीचरों से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि मैं भी जो साक्षरता विभाग था उसमें टीचिंग ही करता था, पर उसमें उतनी सैलरी नहीं थी, दिल में कुछ था कर दिखाने का, पर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मौका मिला है तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अपना जो दिल है, मन है, साफ है, तो ऐसे ही लोगों से हमारी जो दोस्ती है, प्यार है, अगर हो जाता है तो हमें कुछ सीखने की आज भी इच्छा रहती है, कुछ सीखना चाहते हैं, बस सामने वाला सिखाने की इच्छा रखता हो, बस ऐसे ही गुरु मिलते रहें तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप भी मेरे गुरु ही हैं। आप जो माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, भाई बहन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी कभार अगर भूल चूक वैसी हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, पर कुछ करके दिखाना चाहता हूँ।